हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर, जो कि ये पेपर 2022 का है और यहाँ पे कोड देख सकते हैं कि 825BX, तो इस कोड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यहाँ पर इस पेपर का A to Z फुल एनालिसिस करवाने वाला हूँ, ठीक ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आता है उसमें सबसे पहले खंड क आता है, और खंड क में 5-6 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे हैं, और जितना मैंने क्वेश्चन बताया था सारा का सारा क्वेश्चन सेम टू सेम वही आया है। जो भी मेरे प्रीवियस ये लेक्चर देखे होंगे बच्चे ने पूरा का पूरा A to Z कर लिए होंगे, 70 में 70 किए हैं, ठीक ना, 70 में 70, ठीक। तो आप अपना मैच कर सकते हैं कितना 70 में आप सही किए हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा मैच कर लेना, ठीक ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती सन 1945 ईस्वी के दौरान, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। सबका सही है ये आंसर 18 वर्ष, ठीक ना, 18 वर्ष भारत में मताधिकार की आयु होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन। मैंने बोला था कि भैया लोग, आप लोग क्या करो, नारे कुछ याद कर लो, क्योंकि नारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पक्का गारंटी है। और यहाँ पे पूछा भी गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है। तो यह आपका बाल गंगाधर तिलक का, किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। तो जिन बच्चे ने यहाँ पर लगाए हैं उनका सही है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था आपका सन 1914 ईस्वी के दौरान, कहाँ पे हुआ था कि सन 1914 ईस्वी के दौरान क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो चलिए ये समझ गए कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, तो सन 1914 ईस्वी में हुआ था और ये 4 सालों तक चला था, सन 1918 तक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है आपका न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में नहीं है, ये आपका है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था बहुत ही अच्छे ढंग से कि भारत छोड़ो आंदोलन है, ये एक महात्मा गांधी का एक नारा है, ठीक ना, किसका है, महात्मा गांधी का नारा भी था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के बारे में कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए, ठीक ना। तो 2 अक्टूबर कौन कौन से जन्म लिए थे, तो सबसे पहले महात्मा गांधी और एक अगले का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखना था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि संघीय शासन व्यवस्था की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था कि संघीय शासन की क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है, उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। जितना मैंने बताया था सेम टू सेम सारा का सारा क्वेश्चन वही फंसा है, और आगे जो भी आपका मैथ का पेपर है उसके लिए भी मैं अलग से अनसॉल्वड फिर यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सब कुछ करवाने वाला हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए, किन्हीं 3 नेता का नाम लिख दो, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। इस तरीके से आप मतलब कि बाल गंगाधर तिलक किसी भी चीज़ का नाम लिख देना, ठीक ना, कोई भी यहाँ पे जो भी आपके फ्रीडम फाइटर थे। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए, 3 कोई मेन इफेक्टिव लिख देना कि किसके वजह से ये मतलब कि इफेक्टिव हो गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन करना है, ठीक। तो ये भी उतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, सब आसान क्वेश्चन पूछा गया। और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। अरे भाई, इसको तो मैंने बहुत बार करवाया था कि भैया आप इसे याद कर लो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना था। और ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, ठीक ना, सीधे सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो बना करके लिख दो, एग्जामिनर 6 में 4 नंबर तो आपको दे ही देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कि भारत की किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त है, इसके बारे में लिखना था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, उसके बारे में आप सभी को क्या करना था, लिखना था। या ये कर सकते हो कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से कौन कौन सी प्रसिद्धियाँ सहायक हुई, उसके बारे में लिखना था, ठीक। और यहाँ पे देखो, मैंने मानचित्र के बारे में वीडियो बनाया था, 2-3-4 वीडियो बनाया था कि भैया आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मानचित्र भर लो, सभी लोगों को मानचित्र मिला होगा, ठीक ना, और बहुत ही अच्छे ढंग से भरे होंगे, ठीक ना, जो भी मेरे लेक्चर लिए होंगे, ठीक। चलो, मानचित्र वाले प्रश्न के बारे में ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप सभी लोग भर लेंगे। यहाँ पर देखो,
खंड ख के बारे में चलते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करते हैं, समझते हैं बहुत ही आसानी से कि कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो ये आपका मिजोरम में पाई जाती है। कहाँ पे? मिजोरम में। सही है, मिजोरम। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन यहाँ पे देखो पेट्रोलियम, कभी भी ये खत्म हो सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए है? तो ये कच्चे सामानों के लिए, कच्चे माल के लिए मुंबई आपका, मुंबई हाई आपका क्या है, फेमस है। कच्चे पदार्थ जैसे मान लो कि पेट्रोलियम हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फेमस हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो कौन सी फसल होती है मोटा अनाज, कहने का मतलब जैसे मान लो कि जो भी आपके ज्वार हो गए, ठीक ना, ठीक, वो सब क्या है, मोटे फसल में आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो किसी देश का विकास आप किस चीज़ों के बारे में डिपेंड बोल सकते हो, तो सबसे पहले उसका प्रति व्यक्ति आय अच्छा होना चाहिए, औसत साक्षरता दर भी अच्छा होना चाहिए, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी सही होना चाहिए। इस तीनों में से कोई भी अगर बिगड़ जाएगा तो ये हम बोल सकते हैं कि उस देश का विकास बढ़िया नहीं है, ठीक ना। तो उपयुक्त में से सब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस आधार पर, ये तो हमने बताया नहीं, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा, उद्यमों से स्वामित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट सौ वाले को पिक क्लिक किए हैं, ट्रिक किए हैं, उनका यहाँ पर एक नंबर उनके खाते में चला जाएगा, ठीक ना। अब चलो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि पुनः चक्री प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, कोई दो एग्जांपल के साथ समझाइए। तो प्राकृतिक संसाधन जिन्हें हम क्या करते हैं, फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे मान लो ये प्लास्टिक हो गया तो ये तो आपका कृत्रिम हो गया, लेकिन जिससे मान लो कि एयर हो गया, ठीक ना, वाटर हो गया, इसे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन है, और ये हम क्या कर सकते हैं, पुनः बार बार इसे हम रिसाइकल करके हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की दो विशेषताएँ बताइए, इसके बारे में लिख देना है, दो नंबर मिल जाएगा। और यहाँ से अल्प रोजगार किसे कहते हैं, कम रोजगार को हम क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार बोलते हैं, जिसमें रोजगार ज़्यादा ना मिल पाए, अल्प मात्रा मिले, थोड़ी मात्रा मिले, उसे क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरी क्वेश्चन है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों है। तो भैया जब आप खनिजों के संरक्षण आप सुरक्षा नहीं करोगे तो आप अपनी आवश्यकता को कैसे पूरी कर पाओगे, इसलिए हमें क्या होती है, खनिजों की संरक्षण या सेवा करना हमें बहुत ही फर्ज होता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया अथवा करके कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ बताइए, कौन कौन सी दशाएँ होती है, इसके बारे में लिखना था, तीन नंबर के क्वेश्चन है, ठीक, मैंने बताया था। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट करिए, ठीक। उसके बाद देश की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है, इसके बारे में लिखना था। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए, इसे लिखना था, ठीक, यानी कि ऐसे मतलब कि एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ लिख दोगे आसानी से नंबर मिल जाएगा। भू क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई चार उपाय लिखिए, ये भी आसान क्वेश्चन था। और ये तो मैं क्वेश्चन बहुत बार करवाया था कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में प्रकाश डालना था। उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना था, ये क्वेश्चन छः नंबर का है। अगला क्वेश्चन मानचित्र से संबंधित, कृष्णा नदी के बारे में बताया था, कृष्णा नदी कहाँ पर पाई जाती है उसके बारे में, और सरदार सरोवर बांध, ठीक ना, इसको मैंने बताया था कहाँ पर पाया, रायपुर में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि उत्तरी पूर्वी भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र मैंने बताया था, पहाड़ी क्षेत्र कोई भी बता दो, ठीक, जैसे आपका हो गया उत्तराखंड हो गया, ठीक ना, इस तरीके से जो भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उसको यहाँ पे लिख देना था। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे कोई भी लिख दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखना था विशाखापट्टनम बंदरगाह को इस चीन के द्वारा दर्शाना था। तो बहुत ही वेरी आसान क्वेश्चन है, और जितना मैंने बताया था सारा का सारा क्वेश्चन सेम टू सेम वही फंसा हुआ है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।